गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास स्टूडेंट। नाउ टुडे डेट इज 5 दिसंबर 2020 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 19, थिंग्स वी मेक। थिंग्स वी मेक So, name of the chapter is Things We Make. So, student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, with the discovery of a wheel, lot of changes come in the life of a early human beings. So once the early human beings learn how to do the cultivation, then the next problem for the early human being is that how to keep their grains, जो उसने अनाज उगाया था उसको कैसे स्टोर करके रखे, so that the early human beings need a containers. So in the beginning he start making the pots with the help of the clay, but that pots are not very strong. That pots are not very strong. By chance ऐसा हुआ होगा बेटा कि अर्ली ह्यूमन बींग्स ने कोई पॉट बनाया होगा और उसे फायर के पास रख दिया होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देर इज नो बुक इन विच ही विल डू द स्टडी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, वो लोग ऐसे ही सीख रहे थे, ठीक है। तो व्हाट द रिजल्ट ही गेट, उसने देखा होगा व्हेन द क्ले पॉट बर्न इन द फायर, then what's happened, it become very strong. So in this manner early man start making the clay pots, mitti ke bartan banane laga early man, and to make the pot strong he burn the pots into a fire. Is it clear? And now with the discovery of a wheel, early human beings, now they start making different shapes of a pots and with a different shape and size with the help of a potter's wheel. ठीक है? So and the pots which are made from the clay that are known as earthenware. That are known as
जो ओल्ड टाइम में उसने मिट्टी के जो पॉट्स बनाए, बर्तन बनाए, उसे हम लोग क्या करते हैं, अर्थन वेयर बोलते हैं। बेटा इन द ओल्ड टाइम में मैक्सिमम जो मिट्टी के बर्तन थे जो बहुत यूज हुआ करते थे, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम देखो आज सबके घर में आप लोग देखते होंगे रेफ्रिजरेटर होता है, बट इन द ओल्ड टाइम्स यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स और यू कैन डिस्कस विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। ओल्ड टाइम में विलेजेस एरिया में स्पेशली आप लोग देखोगे द विलेजर्स और द पीपल पुट वाटर इन टू द पॉट्स, ठीक है, एंड इवन दे कुक फूड ऑल्सो इन द पॉट्स। बट इन प्रेजेंट टाइम में देखोगे मैक्सिमम किचन में जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो आपको किसके देखने के लिए मिलेंगे, स्टेनलेस स्टील के, लंबा लंबा सारे यूटेंसिल्स आपको स्टेनलेस स्टील के देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और देखो फिर उसके बाद फिर भी दीज अर्थन वेयर्स आर यूज इन द मार्केट ऑल्सो इन मैनी ऑफ द थिंग्स, बट एज सून एज द वेन जब पैकेट्स प्लास्टिक के आने लगे तो अर्थन वेयर्स के जो बर्तन थे ना उनकी डिमांड कम हो गई, उनकी डिमांड जो क्या हो गया बेटा कम हो गई। बट स्लोली स्लोली नाउ वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ दिस प्लास्टिक इज अ वेरी हार्मफुल। ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के गिलास आने लगे, प्लास्टिक के कप्स आने लगे। सो अब देखो बेटा क्या है कि अब हम सबको पता है कि जो प्लास्टिक है डेट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इट इज वेरी हार्मफुल। सो नाउ इन प्रेजेंट टाइम मैनी ऑफ द स्टेट्स, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने बैंड कर दिया है प्लास्टिक। नाउ अगेन द टाइम विल कम डैट यू विल सी लॉट ऑफ अर्थन वेयर्स, मिट्टी के बर्तन फिर से आपको मार्केट में दिखने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स क्या है प्लास्टिक के यूज पे क्या कर रही है, बैंड कर रही है, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम कम डैट अगेन यू विल सी अर्थन वेयर्स इन द मार्केट। अब देखो ये डिस्कस हमने कल की वीडियो में कर ली थी, जब उसने पॉटर व्हील्स पे मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए तो उसने बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट शेप्स की चीजें बनाई और उसे अट्रैक्टिव करने के लिए बहुत ही ग्लेज पॉट्स बनाए, ठीक है, चमकदार कलर उस पे यूज किए। नाउ वी आल्सो गेट ब्यूटीफुल ज्वेलरी नोन एज टेराकोटा ज्वेलरी फ्रॉम क्ले, और जो क्ले से बनी होती है ज्वेलरी ना बेटा उसको टेराकोटा कहते हैं। और देखो जब भी हम क्ले के जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, बेटा जब भी हम बर्तन बनाते हैं आप जब भी सॉइल को टच करोगे उसमें और भी छोटे छोटे पीबल्स और स्टोन्स होते हैं, तो फर्स्टली क्या हम इसे बिल्कुल क्लीन करते हैं, ठीक है, वी क्लीन द सॉइल एंड देन वी मिक्स दैट सॉइल विद द वाटर एंड देन वी मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स विद द हेल्प ऑफ ए पॉटर व्हील और डेकोरेटिंग द सराउंडिंग, ठीक है, ये ऑलरेडी कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अगर डेकोरेटिंग द सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो सोचो उस ओल्ड टाइम में भी जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, वो भी डेकोरेशन का काम करते थे वेयर दे आर लिविंग। सो सिंस अर्ली टाइम ऑल्सो मैन हैज केप्ट हिज सराउंडिंग क्लीन एंड डेकोरेटेड देम इन हिज ओन वे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए टू कीप अस फिट एंड हेल्दी। सो आज से हजारों साल पहले भी जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो भी अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखते थे एंड दे ऑल्सो डेकोरेट इट, ठीक है, और वो क्लीन तो रखते रखते थे उसके साथ साथ उसे डेकोरेट भी करते थे, ठीक है। लेटर ही डेकोरेटेड द वॉल्स, क्योंकि अर्ली ह्यूमन बींग्स कहाँ रहते थे बेटा, केव्स में। अर्ली ह्यूमन बींग्स live in
caves. Ugly human beings. Ugly human beings lives in caves. Ugly human beings कहाँ रहते थे? Caves में रहते थे. ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था. ठीक है, और उस समय वो लोग जो जिस गुफाओं में रहते थे उसकी वॉल्स को भी बहुत डेकोरेट करते थे. ठीक है, उसकी वॉल्स को भी डेकोरेट करते थे. और द मिरर बाई विच दे आर डेकोरेटिंग द वॉल्स ऑफ द केव, दैट मिरर आर ऑल ज्योमेट्रिकल शेप. वो सारे मिरर कैसे थे? ज्योमेट्रिकल शेप के थे. ज्योमेट्रिकल शेप आई होप सबको पता होगा, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, दीज आर द डिफरेंट शेप्स विच यू सी इन द ज्योमेट्री. ठीक है, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल शेप पे आप लोग चैप्टर पढ़ते होगे ना, तो ये जितनी शेप्स होती हैं, सो ये विद द पीसेज में कट इन टू है ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड अरेंज देम इन पैटर्न, और अलग अलग पैटर्न्स में उन्हें अरेंज करते थे. और इसकी जो आउटलाइन होती थी, फॉर एग्जाम्पल देखो एक पैटर्न बनाते हैं जैसे ये ट्राइंगल. देखो डिफरेंट पैटर्न कैसे, ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए ट्राइंगल. ट्राइंगल से भी आप देखो वो इसी तरह ज्योमेट्रिकल शेप से अलग अलग डिजाइन बनाते थे, डिफरेंट पैटर्न्स बनाते थे. अब देखो ट्राइंगल से अभी ये बना लिया. देखो विद द हेल्प ऑफ ए ट्राइंगल मैंने एक पैटर्न बना दिया ना, इज इट क्लियर? विद द सेम ट्रायंगल आप और दूसरा पैटर्न भी बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जे ले लिया, एक ट्रायंगल जे ले लिया, ये हो गया. ठीक है, ये हो गया. देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए पैटर्न यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ ए ट्रायंगल. इसी तरह अलग अलग शेप्स थी, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, तो इनके मिरर्स जो होते थे इनको ज्योमेट्रिकल शेप्स में ये मिरर्स को कट करते थे. दे कट द मिरर इन द ज्योमेट्रिकल शेप एंड दे मेड डिफरेंट पैटर्न विद द हेल्प ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल शेप्स. और इसकी जो आउटर लाइनिंग होती थी, आउटर लाइनिंग कैसे बोलते हैं, दैट इज डन विद अ, किससे करते थे? आउटलाइन विद वाइट लाइन. जैसे अब इसकी जो आउटलाइन करते थे उसका करते थे यूज, दैट इज अ वाइट लाइन. ओके, एंड दिस आर्ट इज कॉल्ड लेपन. इस आर्ट को क्या बोलते हैं? लेपन. दिस आर्ट इज नोन एज लेपन. ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग्स. ओके, सो दिस इज नोन एज दिस अरेंजिंग द ज्योमेट्रिकल शेप्स. Arrangement of the geometrical shape, that is known as, this is known as lipan. इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? We say it as a lipan. Okay? Now, see student, next is the Madhubani and Warli arts. Okay. Now see, Madhubani. So Madhubani paintings. So see student, these are the paintings. Okay, these are the paintings and these are done by the
women of the villages. These are paintings which are made by the women of the villages. So Madhubani painting student, ये मोस्टली आप देखोगे कि फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड इन बिहार. ये कहां स्टार्ट हुई है? बिहार. एंड दिस पेंटिंग यू कैन ऑल्सो सी दिस पेंटिंग इन नेपाल ऑल्सो. सो मधुबनी पेंटिंग ये बहुत पुरानी पेंटिंग है बेटा, हजारों साल पहले ये पेंटिंग्स बनाई गई थी. एंड दीज पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग्स बनी थी बेटा मधुबनी पेंटिंग्स जो है आपकी, ये पेंटिंग्स पहले तो लोगों ने कच्चे हाउसेस में रहते थे. कैसे हाउसेस में रहते थे? कच्चे हाउसेस. सो फर्स्टली दे मेड दिस पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस. वॉल्स ऑफ द हाउसेस, ठीक है, वॉल्स ऑफ ए हाउसेस पे इस पेंटिंग को बनाया गया पहले तो बेटा, ठीक है. एंड आफ्टर दैट दीज पेंटिंग्स आर डन ऑन द पेपर, पेपर एंड क्लोथ, ठीक है, पेपर एंड क्लोथ. सो मधुबनी पेंटिंग्स आप बिहार के दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, तो ये प्लेसेस हैं बिहार की जहां पे इस पेंटिंग की बेटा क्या स्टार्टिंग हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है. अब देखो फर्स्टली ये पेंटिंग्स किस पे बनाई गई? कच्चा हाउसेस पे बनाई गई. आफ्टर दैट वॉल्स ऑफ द, वही स्टार्टिंग में वॉल्स ऑफ द हाउसेस पे बनाई गई ये पेंटिंग. आफ्टर दैट वुमन स्टार्ट मेकिंग दिस पेंटिंग्स ऑन द पेपर, पेपर और किस पे इन्होंने स्टार्ट किया? पेपर एंड क्लोथ. इसे किस पे स्टार्ट किया बेटा? पेपर और क्लोथ में बनाना स्टार्ट किया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ दे मेक द पेंटिंग्स. सो स्टूडेंट दे मेक द पेंटिंग्स, दे मेक द पेंटिंग्स, दे मेक द पेंटिंग्स विद द, दे मेक द पेंटिंग्स विद द फिंगर्स, विद द फिंगर्स, मैच स्टिक, और बम्बू स्टिक्स. सो दोज हु आर मेकिंग द मधुबनी पेंटिंग्स, हाउ दे आर मेकिंग द पेंटिंग्स, व्हाट आर द मटेरियल यूज बाई देम. मधुबनी पेंटिंग जो उस समय के जो आर्ट आर्टिस्ट लोग बनाते थे, और स्पेशली ज्यादातर वुमन्स इसमें इन्वॉल्व थी. सबसे ज्यादा इसमें कौन इन्वॉल्व थी बेटा? वुमन्स इन्वॉल्व थी. ओके, सो तो सबसे मोस्टली इसमें वुमन्स इन्वॉल्व थी. इज इट क्लियर? सो दे मेक द, अब जो ये पेंटिंग्स थी, दे मेक द पेंटिंग्स विद द, और हाउ दे मेक द पेंटिंग्स, दे मेक द पेंटिंग्स विद द फिंगर्स, या तो अपनी फिंगर्स से बनाते थे, या मैच स्टिक जो, ठीक है, मैच स्टिक को यूज करते थे, या जो बांस नहीं होते बम्बूस की जो छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं उसको यूज करके ये लोग क्या बनाते थे? ये पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है. एंड स्पेशली व्हाट इज शोन इन दिस पेंटिंग, और ये पेंटिंग स्पेशली देखो, इन पेंटिंग्स में स्पेशली जो आर्टिस्ट थे जो इस पेंटिंग्स में स्पेशली उन्होंने क्या दिखाया? ये जो कला है बेटा, ये जो आर्ट है, आपने सुना होगा रामायण के बारे में, ठीक है,
ये समझ लो ये इतनी पुराना है ये, ठीक है। कभी रामायण के समय जब आप लोग को पता ही है द होली बुक ऑफ हिंदू रामायण है ना, होली बुक ऑफ हिंदू, भगवान लॉर्ड श्री राम, ठीक है, लॉर्ड श्री राम रामायण युग में, रामायण के समय क्या हुआ था, लॉर्ड श्री राम किल्डेड रावण, ओके। सो एट दैट टाइम ये पेंटिंग उस समय से भी माना जाता है कि रामायण के टाइम में जब कभी हुआ था वो टाइम था, उस समय लोग मधुबनी पेंटिंग्स बनाया करते थे, ठीक है। तो अब देखो पहले शुरुआत हुई थी कच्चे हाउसेस में, बाद में वॉल हाउस, कच्चे हाउसेस की वॉल्स पे बनाते थे, और या तो अपने बरामदे में रंगोलीस की तरह इस पेंटिंग्स को बनाते थे, और पेपर एंड क्लोथ यूज होता था। नेक्स्ट दे मेक द पेंटिंग्स विद द फिंगर मैच स्टिक्स एंड बम्बू स्टिक्स, और जो कलर जो इस पेंटिंग्स में यूज करते थे ना बेटा, डेट इज अ वेरी नेचुरल कलर्स यूज करते थे। जैसे येलो कलर के लिए आप लोग टर्मरिक जानते हो, हल्दी यूज कर लिया, या मेरी गोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं मेरी गोल्ड के जो फूल आते हैं, ठीक है, गेंदे का फूल जो होता है मोस्टली आप उसकी मालाएं बनती हैं। तो कलर्स जो थे जो ये लोग यूज करते थे इन पेंटिंग्स में, ये सारे दीज कलर्स आर टेकन नेचुरली, ये सारे नेचुरल कलर थे जो नेचर में प्रेजेंट हैं चीज़ें उनसे लिए गए कलर थे, ठीक है। सो और जो कलर इसमें यूज किए गए थे डेट आर वेरी अट्रैक्टिव, जो कलर इसमें यूज किए गए थे वो कलर क्या थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे, बड़े चमकीले टाइप के, स्पेशली मोस्टली इसमें रेड कलर ब्लैक कलर डार्क ब्लू कलर ग्रीन कलर, दिस टाइप्स ऑफ कलर्स आर यूज इन मेकिंग दिस पेंटिंग्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दिस पेंटिंग इज दैट दिस आर वेरी अट्रैक्टिव, ये पेंटिंग्स क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये बहुत ओल्ड टाइम से हजारों साल पहले से ये मधुबनी पेंटिंग्स की जा रही हैं, एंड मोस्टली द वुमन्स आर अवेलेबल इन दिस, बट स्टूडेंट इन बट पब्लिसिटी जो हम कहते हैं इन पेंटिंग्स को, पब्लिसिटी इस समय मिली है, ठीक है। ये बहुत पुरानी कला है, ये आर्ट फॉर्म बहुत पुराना है, रामायण युग के समय का मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोगों के बीच इन ऑल द डिफरेंट कंट्रीज जो पब्लिसिटी मिली इन पेंटिंग्स को वो अब मिली है जाके, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द मधुबनी पेंटिंग्स, और स्पेशली मधुबनी पेंटिंग्स में बेटा जो स्पेशली इसमें कृष्ण भगवान, कृष्ण है भगवान, हिंदूज रिलीजियस के जो लोग होते हैं, जो हिंदूज गॉड हैं उनको दिखाया गया इसमें, जैसे कृष्ण भगवान, भगवान श्री राम, शिवजी भगवान, पार्वती जी, तो इन पेंटिंग्स में गॉड को बना के दिखाया गया, गॉड्स से रिलेटेड ये पेंटिंग्स हैं। इवन दीज पेंटिंग्स नेचुरल, नेचर पे भी ये पेंटिंग्स डिपेंड है, ठीक है, नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे नेचर में क्या है, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। सो एंड ये सब चीज़ों को लेके, ये सब चीज़ों को इस पेंटिंग्स में दिखाया गया है, स्पेशली इसमें गॉड्स को दिखाया गया है, हिंदू रिलीजन्स में जो डिफरेंट गॉड्स होते हैं स्पेशली इन पेंटिंग्स में ये चीज़ें दिखाई गई हैं मधुबनी पेंटिंग्स में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट है वर्ली आर्ट्स, वर्ली आर्ट्स की बात करें तो ये महाराष्ट्र के एरिया के हैं, ठीक है, वर्ली आर्ट्स ये कहां का, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड वार्ली पेंटिंग्स आपको महाराष्ट्र और इन सम पार्ट्स ऑफ द गुजरात, ठीक है, यहां भी आपको वार्ली पेंटिंग्स हैव बिकम वेरी फेमस।
ओके अब इसको जो ट्राइबल्स है ओके दोस पीपल्स वी आल्सो हैव गोंड आर्ट ए ट्राइबल आर्ट डेवलप बाय द गोंड्स ऑफ कल्चरल इंडिया कलमकारी आर्ट एक्स्ट्रा। अब ये जो आर्ट है बेटा आप लोगों का वारली आर्ट है जो गोंड आर्ट है जो इसमें डिस्कस कर रहा है ये स्पेशली कहाँ के वहां के ट्राइबल्स क्या बोलते हैं बेटा आदिवासी ठीक है वहां के आदिवासी लोग स्पेशली दे लिव इन द फॉरेस्ट इनको नेचर से बहुत ज्यादा ये जुड़े होते हैं ठीक है तो इन्हें ट्राइबल बोला जाता है। तो ये आर्ट जो है वारली आर्ट जो है जो महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में जो ट्राइबल्स जो हैं ठीक है सो इन लोगों ने इस आर्ट को इन लोगों ने इस वारली आर्ट और गोंड आर्ट जो है इन्होंने बनाया है ठीक है ट्राइबल्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के भी कुछ पार्ट में आदिवासी लोग जो मोस्टली अपनी लाइफ कहाँ बिताते हैं फॉरेस्ट में ही बिताते हैं। तो अब इन्होंने जो पेंटिंग की इन्होंने वारली आर्ट्स को कहाँ बनाया स्पेशली इन्होंने भी वॉल्स पे बनाया पहले ठीक है घरों की वॉल्स पे इन्होंने इसे इस आर्ट्स को बनाया ठीक है। और व्हाट आर द थिंग्स विच ट्राइबल पीपल स्पेशली शोज इन देयर आर्ट सो इन ट्राइबल पीपल ने जो स्पेशली किस चीजों को इसमें दिखाया इन पेंटिंग्स में दैट इज दे हैव शोन द नेचर व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द नेचर व्हाट टाइप ऑफ ए लाइफ इज इन द नेचर उनका क्या अपना कल्चर है कैसे वो रहते थे उनके अपने रहन सहन के ढंग इसको भी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। इज इट क्लियर प्लांट्स ट्रीज को दिखाया है बिकॉज हम कहते हैं ना ट्रीज आर द लाइफ लाइन ऑफ अस हमारे लाइफ लाइन कौन है हमारे पेड़ है इवन वी आर गेटिंग आवर लिविंग गैस ऑक्सीजन फ्रॉम देम एंड ऑल्सो We are getting food from the plants only because plants are the only producer. और नेचर में फॉरेस्ट में जैसे बहुत से एनिमल्स भी हैं ओके सो उन्होंने प्लांट्स के अगल बगल एनिमल्स को भी दिखाया कार्निवोरस एनिमल्स को बिकॉज ड्यू टू द कार्निवोरस एनिमल्स पीपल आर अफ्रेड टू कम इन द जंगल उन्होंने एनिमल्स को ये बताया है कि दे सेव द फॉरेस्ट दे सेव द फॉरेस्ट इज इट क्लियर सो उन्होंने नेचुरल थिंग्स ऑफ नेचर में प्रेजेंट हैं उनके बेस उन चीजों को अपने आर्ट्स में दिखाया है ठीक है जैसे एंड व्हेन दे डू दिस टाइप ऑफ उन्होंने इसमें पेंटिंग्स में ये पेंटिंग स्पेशल ओकेजन्स में ड्रॉ कर की उन्होंने फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी वेडिंग और अ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ओके वेडिंग हो गया बर्थ ऑफ ए चाइल्ड सो एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स व्हेन दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स सो ऑन ऑल दीज ओकेजन दे शो दिस टाइप्स ऑफ ए पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स सो इन स्पेशल ओकेजन्स में आप बोल सकते हो बेटा क्या स्पेशल ओकेजन्स हैं स्पेशल ओकेजन जैसे डिफरेंट फेस्टिवल विच दे आर सेलिब्रेटिंग और एट द टाइम और एट द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड और बाय चांस बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एंड द वेडिंग किसी की शादी हो रही है तो इन देयर कल्चर हाउ डू दे दैट पीपल What type of arrangement and how they do the marriages in tribal people? That all thing also they have shown in this art. ठीक है इस आर्ट में उसी चीजों को उन्होंने बनाया तो स्पेशली नेचुरल नेचर पे
जितने भी पिक्चर्स हैं ये जो आर्ट्स है स्पेशली नेचर पे डिपेंड है, नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट है उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपनी आर्ट्स बनाए, ठीक है। सो दिस इज डन बाय द विच दिस इज डन बाय द किसने बनाया इसको, दिस इज डन बाय द महाराष्ट्र और गुजरात, और गोंड आर्ट भी है ये आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल्स हैं मतलब जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने इस आर्ट्स को बनाया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।